हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है टेस्ट चेकिंग होता क्या है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं राइट एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं राइट right? तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इसकी डीमैरिट्स क्या होती हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है फोर डीमैरिट्स को कवर कर रहे हैं हम आज के लेक्चर में फर्स्ट आता है आपका फ्रॉड्स एंड एरर्स मे रिमेन अनडिटेक्टेड देखो टेस्ट चेकिंग में क्या होता है हम सर्टेन पार्ट ऑफ़ अकाउंट्स को ही है एग्जामिन नहीं, हो, तो हो नहीं किया है उसी ट्रांजेक्शन में आपका फ्रॉड हो या फिर उसमें एरर हो तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ एक्सटेंड तक आपके फ्रॉड एंड एरर्स अनडिटेक्टेड ही रह जाते हैं ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं In test checking, only a part of the accounts are examined. Hence, errors and cleverly committed frauds may remain undetected since they may be contained in transactions which have not been chosen for examination. Second one is carelessness by employees. देखो एम्प्लॉयज़ के भी मन में ना ये फीलिंग स्टार्ट हो जाती है जनरेट होना कि हमारे कंप्लीट वर्क को तो चेक नहीं किया जा रहा है ना तो हम इतना एफर्ट क्यों डालें उन्हें भी पता चल जाता है कि कुछ कुछ पार्ट ऑफ अकाउंट्स को या कुछ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को ही एग्जामिन किया जा रहा है हर एक ट्रांजेक्शन्स को नहीं एनालाइज किया जाता तो वो भी क्या करते हैं हंड्रेड अपना एफर्ट नहीं डालते इससे क्या होता है जब एक बार उनके माइंड में ये थिंकिंग चली जाती है ना तो ऑब्वियस है कि जो उनका वर्क है वो कैसे करेंगे केयरलेस होकर के काम करेंगे ठीक है द इम्प्लॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग सेंस वर्क वर्क कंप्लीट कंप्लीट इज नॉट गोइंग टू बी चेक वाई पुट इन सो मच एफर्ट तो हम इतने एफर्ट डाले ही क्यों वन सच फीलिंग सच थिंकिंग क्रीप्स इन टू द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज इट इज बट नेचुरल दैट दे विल बिकम मोर केयरलेस थर्ड वन इज अन रिपोर्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन देखो नॉर्मली क्या होता है जो आपका ऑडिटर है आफ्टर एग्जामिनेशन वो अपने क्लाइंट को क्या करेगा रिपोर्ट सबमिट करेगा है ना अब अनसेफैक्ट्री रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं हम क्योंकि जो भी ऑडिटर है वो रिपोर्ट बना रहा है किस बेसिस पर जो आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स को ही करा है एनालाइज है ना तो आपने कौन सा कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज़ किया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो रिलायबल होगी आपने तो कुछ कुछ फ्यू ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट किया उनके बेसिस पर आपने अपना ओपिनियन दे दिया है ना तो अल्टीमेटली जो आप रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को कहीं ना कहीं वो भी कैसी होती है अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑडिटर इज ऑफ नॉट मच बेनिफिट टू दर्गेनाइजेशन सेंस द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द अकाउंट ऐसा क्यों कह रहे हैं हम रिलायबल नहीं है ये अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होती है क्योंकि ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है ये ओपिनियन होता है ऑडिटर का ओनली अ पार्ट ऑफ द अकाउंट्स का ठीक है सारे अकाउंट्स का नहीं है अकाउंट्स के कुछ हिस्सों का ही ये ओपिनियन होता है ट इज बट नेचुरल दैट द रिपोर्ट विल नॉट बी सेटिस्फेक्टरी लास्ट वे इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन दो थ्रू टेस्ट चेकिंग द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज रिड्यूज हालांकि टेस्ट चेकिंग करने से जो आपका ऑडिटर का काम है वो रिड्यूज हो जाता है क्यों क्योंकि अब ऑडिटर को सारे ट्रांजेक्शन को ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को एनालाइज नहीं करना होता अब उन्हें कुछ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को ही एनालाइज करना है बट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीज उसका जो वर्क है वो तो रिड्यूस हो रहा है बट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है सिंस ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन्स विच हैव नॉट बीन एग्जामिन बाय हिम जो ट्रांजेक्शन उसने एग्जामिन नहीं करी हैं मतलब जो सिलेक्ट नहीं की थी एग्जामिनेशन के लिए उन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ठीक है तो ये बहुत ही आपका छोटा सा टॉपिक था फोर आपने डिसएडवांटेजेस किए हैं किसके टेस्ट चेकिंग के फर्स्ट क्या है आपका फ्रॉड्स एंड एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड सेकेंड वन इज केयरलेसनेस बाय एम्प्लॉयज थर्ड वन इज अनसेटिस्फेक्ट्री रिपोर्ट एंड द फोर्थ वन इज इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे